शिवा जी का नाम लेते ही आंखों के सामने एक वीर शासक, आज्ञाकारी पुत्र और नेक मराठा योद्धा की तस्वीर घूम जाती है। इस वीर की कथाओं में इतना असर है कि आज भी जब भारत के किसी घर में कोई महिला गर्भवती होती है तो उसकी माँ और सास उस महिला से कहती है कि वो छत्रपति शिवाजी की कहानियाँ पढ़कर अपने गर्भ में पल रहे शिशु को सुनाए, जिससे आने वाला बच्चा उन्हीं की तरह बहादुर पैदा हो। 6 जून 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। इसी दिन शिवाजी ने महाराष्ट्र में हिंदू राज की स्थापना की थी, जिसके बाद ही उन्हें छत्रपति शिवाजी की उपाधि मिली थी। शाहजी भोसले की पत्नी जीजाबाई की कोख से शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शिवनेरी का दुर्ग पुणे से उत्तर की तरफ जुन्नर नगर के पास था। शिवाजी का पूरा नाम शिवाजी राजे भोसले था, लेकिन वो छत्रपति शिवाजी के नाम से मशहूर हुए। इनका जन्म पश्चिम भारत के मराठा में हुआ था तथा ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक भी थे। शिवाजी को सेनानायक के नाम से भी जाना जाता है। शिवाजी ने शिक्षा दीक्षा अपनी माता जीजाबाई से प्राप्त की थी, इसलिए शिवाजी के पहले गुरु उनकी माँ ही थी। शिवाजी के व्यक्तित्व में उनकी माँ का असर सबसे ज्यादा दिखाई देता है, इसलिए अगर लोग शिवाजी की वीर गाथा गाते हैं तो उससे पहले माँ जीजाबाई को प्रणाम करते हैं। शिवाजी ने शस्त्रों का प्रयोग करने की शिक्षा और युद्ध लड़ने की शिक्षा अपने दादाजी कौनदेव से प्राप्त की थी। इन दोनों ने ही मिलकर शिवाजी में हिंदुत्व की भावना का प्रसार किया था और उसे अपने धर्म की रक्षा कैसे करनी चाहिए इसके लिए साक्षार्थ ज्ञान भी दिया था। शिवाजी को माउंटेन रैट भी कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि वह अपने क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और कहीं से कहीं निकलकर अचानक ही हमला कर देते थे और गायब हो जाते थे। इन्हें गोरखा युद्ध का जनक भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।